इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत। मांडा क्षेत्र के महेवा कला में चार जनपदीय कलाकारों द्वारा होली मिलन समारोह एवं बेलवनिया कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। उक्त गांव के संदीप मिश्रा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भारी जनसंख्या में इलाकाई ग्रामीणों ने मध्य रात्रि तक कार्यक्रम का आनंद लिया। इस दौरान फागुनी गाने पर कलाकारों ने जमकर धूम मचाया। वहीं धूम मचाने वाले कलाकारों में दीवाना सिंह, भोला मिश्रा, राम सूरज सिंह, शिवजीत शुक्ला, राकेश तिवारी, उमेश विमलेश्वर सिंह आदि रहे। इस दौरान भाजपा नेता बाबा तिवारी ने कहा कि होली आपसी सौहार्द एवं प्रेम का पर्व है एवं दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलकर आपसी दूरियों को खत्म कर लोग पुनः भाईचारा बनाए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार दीनदयाल द्विवेदी, रामलाल बिंद, अभिषेक मिश्रा, इस्लाम अंसारी, अधिवक्ता पीयूष पटेल, जटाशंकर शुक्ला, कोटेदार दिलीप सोनकर, हीरालाल सहित सैकड़ों से अधिक जनसंख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। माननीय पूजनीय आदरणीय श्रीमान, हमारी बात सुनो ना, हमारी कविता कर ना। तू पिया हमारा प्यारा पिया, सबको भैया मेरी तरफ से होली ढेर ढेर बहुत शुभकामनाएं। और बड़ा मजबूरी है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन सुबह भोर में ही मुझे लखनऊ निकलना है। राजनीतिक व्यवस्था मजबूरी आप सब समझते हैं। मैं सीधे इलाहाबाद से भाग के आ रहा हूँ, क्योंकि संदीप भाई या मुझे लगता है महेवा ग्राम सभा का अगर कोई भी व्यक्ति मुझे जब भी याद करता है, चाहे रात के 12 बजे हो या सुबह के 5 बजे, अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं आता जरूर हूँ, क्योंकि विसर्जन कला में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन महेवा को मैं अपना दूसरा गांव मानता हूँ, ये आप लोग जानते हैं। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर घबराई गया हमारे गाय कुछ घबराया जाता है, कुछ किस्मत ही साथ नहीं देता। नहीं, आप बच्चे बच्चे से अगर पूछेंगे तो मेजा में सबसे बढ़िया नेता कौन है तो सब कहेंगे बाबा जी। पता नहीं कैसे जगह फिर गया, पता नहीं कैसे 20,000 लोग मेरे साथ पैदल चलते हैं और वोट मिलता है 13,000। पता नहीं क्या हो जाता है कि 5 साल लोगों के बीच में सुख में दुख में त्योहारों में मैं रहता हूँ, लेकिन विधायक कोई और बन जाता है, पता नहीं क्या कह रहा है, समझ में नहीं आता। लेकिन मैं भी बहुत अरियल और जीवन टाइप का आदमी हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, हर बार हार नहीं मानूंगा, लड़ता रहूंगा कब तक आप लोगों के बीच आप लोगों को दया नहीं आएगी मेरे ऊपर। मेजा की जनता निश्चित रूप से मुझे मानती है, विधायक भले ही कोई और हो, लेकिन विधायक से कम सम्मान मेजा की जनता मेरा नहीं करती। इसके लिए आभारी रहूंगा और आप सबका था हूँ और सदैव रहूंगा, जहाँ याद करेंगे उसी अपने पुराने नारे के साथ कि जय दोपहरी आधी रात बाबा तिवारी सबके साथ, इसी मैं सदैव आप सबके साथ रहूंगा। बीच में राजनीतिक मजबूरियों में किसी के यहाँ ना आया पाया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं है लगता, खास तौर से महेवा में। आप सबको पुनः
होली की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके पूरे परिवार को, और माँ भगवती और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना है कि कोरोना वायरस यमुना पार इलाहाबाद जिले से दूर रहेगा, क्योंकि संगम की धरती है। यहाँ लोगों की पूजा और लोगों के साधना में इतनी शक्ति है कि चीन का वायरस हम लोगों का कुछ नहीं कर पाएगा, इस बात का भरोसा है, इस बात का, क्योंकि हर लड़ाई में आप लोग मेरे साथ रहे हैं। आपकी लड़ाई में मैं रहा हूँ, आप मेरे लड़ाई में रहे हैं, इस बात का मुझे भरोसा है। विषम परिस्थितियों में भी अगर ये वोट जीत नहीं पाता तो फिर भी सम्मानजनक वोट मेरा इस गांव में रहता है, इसलिए मेरा, चाहे मैं यहाँ पर विद्यालय डाला हूँ, जो भी महिला ग्राम सभा का बहुत सहयोग रहा, प्रसव के बच्चे लगभग 90% बच्चे मेरे घर पर जाते थे, अखिलेश भाई या संदीप जी के बच्चे, प्रधान जी, सारे लोगों के बच्चे मेरे विद्यालय में जाते थे, तो आप सबका बराबर सहयोग रहा है, चाहे विद्यालय के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे मैं जिस दल में रहूं, कोई भी पार्टी मुझे रखे या निकाल दे, लेकिन मैं अन्याय अगर राजनीति में जब तक रहूंगा अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अपना पार, जय भाजपा। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृति।